माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान को संशोधित करने वाले 128वें संविधान संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है डरिए मत, डरिए मत। अरे भाई डरो मत, नो नो, जिसको जाना है जाने दिया, से क्यों, प्लीज, कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज, नो नो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ, और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सात अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 AA, जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 303-30 A, जो लोकसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 A, जो राज्यों की विधानसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, और इसके साथ साथ SC और ST वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी एक तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा, और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश
इसी बिल से होने जा रहे हैं, क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल।